भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, अध्याय 4, कांग्रेस की स्थापना का मिथक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में हुई। उस समय के 72 राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने इसकी नींव रखी थी। अखिल भारतीय स्तर पर यह भारतीय राष्ट्रवाद की पहली सुनियोजित अभिव्यक्ति थी। एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज ICS अधिकारी AO ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सवाल उठता है कि इन 72 लोगों ने कांग्रेस की स्थापना क्यों की और इसके लिए यही समय क्यों चुना। इस सवाल के साथ एक मिथक अरसे से जुड़ा रहा है। अपने आप में काफ़ी दमदार है यह मिथक। सुरक्षा वाल्व का यह मिथक पिछली कई पीढ़ियों से छात्रों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को घुट्टी में पिलाया जा रहा है, लेकिन इतिहास के सच को अगर हम टटोलें तो पता चलेगा कि इस मिथक में उतना दम नहीं है जितना कि आम तौर पर इसके बारे में माना जाता रहा है। आज यह सही मौका है कि इस मिथक के रहस्य पर से पर्दा उठाया जाए। हालांकि इसके लिए इतिहास में काफ़ी गहरे जाकर खोजी नज़र से छानबीन करनी पड़ेगी। मिथक यह है कि AO ह्यूम और उनके साथियों ने अंग्रेज सरकार के इशारे पर ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन के निर्देश, मार्गदर्शन और सलाह पर ही ह्यूम ने इस संगठन को जन्म दिया था, ताकि उस समय भारतीय जनता में पनपते बढ़ते असंतोष को हिंसा के ज्वालामुखी के रूप में फूटने से रोका जा सके और असंतोष की वाष्प को बिना किसी खतरे के बाहर निकलने के लिए सुरक्षित, सौम्य, शांतिपूर्ण और संवैधानिक निकास या सुरक्षा वाल्व उपलब्ध कराया जा सके। इस तरह भारतीय जनता में खुदबुदाती एक क्रांतिकारी क्षमता का गला घोंट दिया गया। यानी इस मिथक का सार संक्षेप यह है कि उस समय एक हिंसक क्रांति दस्तक दे रही थी जो कांग्रेस की स्थापना के कारण टल गई। भारतीय इतिहास के ज़्यादातर लेखकों ने यह बात स्वीकार की है। इसी निष्कर्ष के कारण उदारवादी लेखक कांग्रेस की स्थापना को सही कदम बताते हैं, तो प्रगतिशील इसका इस्तेमाल यह साबित करने के लिए करते हैं कि कांग्रेस अगर साम्राज्यवाद के प्रति निष्ठावान नहीं रही तो भी कम से कम वह समझौतावादी तो रही है। जबकि घोर दक्षिणपंथियों द्वारा इस मिथक का इस्तेमाल यह सिद्ध करने के लिए किया जाता रहा है कि कांग्रेस शुरू से ही गैर राष्ट्रवादी रही है। ये सभी लोग एक बात पर सहमत हैं, वह यह है कि कांग्रेस का जन्म जिस तरीके से हुआ उस तरीके ने इसके बुनियादी चरित्र और भविष्य में उसके कार्यों पर निर्णायक प्रभाव डाला। यंग इंडिया में 1916 में प्रकाशित अपने लेख में गर्मपंथी नेता लाला लाजपत राय ने सुरक्षा वाल्व की इस परिकल्पना का इस्तेमाल कांग्रेस के नरमपंथी पक्ष पर प्रहार करने के लिए किया था। सुरक्षा वाल्व की परिकल्पना पर लंबी चर्चा करते हुए अपने लेख में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। इसके बाद अपनी बात आगे बढ़ाते हुए उन्होंने लिखा था कि कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य राजनीतिक आज़ादी हासिल करने से कहीं ज़्यादा
यह था कि उस समय ब्रिटिश साम्राज्य पर आसन्न खतरों से उसे बचाया जा सके। कांग्रेस के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के हित पहले स्थान पर थे और भारत के हित दूसरे स्थान पर। कोई यह नहीं कह सकता कि कांग्रेस अपने उस आदर्श यानी अंग्रेजी साम्राज्य के प्रति निष्ठा के प्रति ईमानदार नहीं रही है। लेख के उपसंहार में उन्होंने कहा था, इसलिए यह है कांग्रेस की उत्पत्ति ग्रंथि और प्रगतिशील राष्ट्रवादियों की दृष्टि में इसको निर्दोष ठहराने के लिए इतना काफ़ी है। इसके करीब 25 से 30 वर्ष बाद इस विषय पर रजनी पामदत्त के प्रामाणिक अध्ययन ने तो सुरक्षा वॉल्व के मिथक को वामपंथी विचारधारा के कच्चे माल के रूप में ही स्थापित कर दिया। इस मिथक को बड़े जोरदार ढंग से उठाते हुए उन्होंने लिखा कि सरकार की सीधी पहल और मार्गदर्शन के द्वारा कांग्रेस अस्तित्व में आई। इसके लिए वायसराय के साथ मिलकर एक गुपचुप योजना तैयार की गई थी ताकि उस समय उठ रही ब्रिटिश विरोधी लहर और जन असंतोष की ताकतों से ब्रिटिश शासन की रक्षा के लिए कांग्रेस का इस्तेमाल हथियार के तौर पर किया जाए। यह एक आसन्न क्रांति को विफल करने की कोशिश, या यो कहें कि क्रांति के आने की गई पेशबंदी थी। ठीक है कि समय रहते ही कांग्रेस एक राष्ट्रवादी संगठन के रूप में तब्दील हो गई। इसके निष्ठावान चरित्र पर राष्ट्रीय चरित्र हावी होने लगा और यह जन आंदोलनों की वाहक बन गई, लेकिन इसके जन्म के समय का कलंक इसकी राजनीति पर एक स्थायी दाग छोड़ गया। एक संगठन के रूप में इसका यह दोहरा चरित्र कि इसे सरकार ने बनाया और फिर यह साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन की अगुवा बनी, इसके समूचे इतिहास में नजर आता है। इसने साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष किया और इसके साथ सहयोग भी किया। इसने जन आंदोलनों की अगुवाई की और जब जनता ने क्रांति के रास्ते पर बढ़ना शुरू किया तो उसे धोखा देकर साम्राज्यवाद का साथ दिया। श्री दत्त के अनुसार इस तरह कांग्रेस के दो रुख थे। एक पक्ष तो जन आंदोलन के खतरे के खिलाफ साम्राज्यवाद से सहयोग का था और दूसरा पक्ष राष्ट्रीय संघर्ष में जनता की अगुवाई का था। गोखले से लेकर गांधी तक कांग्रेस नेतृत्व का यह दोहरापन दरअसल भारतीय बुर्जुआ वर्ग के दोहरे और ढुलमुल चरित्र को ही प्रतिबिंबित करता है, जो ब्रिटिश बुर्जुआ के खिलाफ संघर्षरत रहते हुए और भारत के लोगों का नेतृत्व करने की इच्छा रखते हुए भी इसके प्रति आशंकित था कि बहुत तेजी से आगे बढ़ने से साम्राज्यवादियों द्वारा भोगी जा रही सुविधाओं के खात्मे के साथ उसको हासिल सुविधाएं भी खत्म हो सकती हैं। इस तरह कांग्रेस वास्तविक क्रांति यानी हिंसक क्रांति के विरोध का हथियार बन गई। लेकिन कांग्रेस की यह भूमिका गांधी के समय से नहीं शुरू हुई, बल्कि यह बात तो साम्राज्यवाद ने इसके जन्म के समय ही इसकी निर्दिष्ट सरकारी भूमिका के तौर पर इसे घुट्टी में पिलाई थी। इस दोहरी भूमिका की चरम परिणति माउंटबेटन समझौते के रूप में इसके अंतिम आत्मसमर्पण के तौर पर हुई। इसके पहले 1939 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक M.S. गोलवलकर ने भी कांग्रेस की धर्मनिरपेक्षता के कारण उसे गैर राष्ट्रवादी ठहराने के लिए सुरक्षा वाल्व की इस परिकल्पना का इस्तेमाल किया था। उन्होंने अपने पैम्फलेट वुई यानी हम अपने पैम्फलेट वुई में कहा था
कि हिंदू राष्ट्रीय चेतना को उन लोगों ने तबाह कर दिया जो राष्ट्रवादी होने का दावा करते हैं और जिन्होंने लोकतंत्र के सिद्धांतों को बढ़ावा दिया और यह विकृत धारणा फैलाई कि हमारे पुराने दुश्मन और हमलावर मुसलमान भी कई मायनों में हिंदुओं के समान हैं। इसका नतीजा यह हुआ कि हमने अपने दुश्मनों को अपना दोस्त मान लिया और इस तरह हमने सच्ची राष्ट्रीयता की जड़ें खुद अपने हाथों ही खोद डाली। सच तो यह है कि भारत में चल रहा संघर्ष केवल भारतीयों और अंग्रेजों के बीच नहीं है, बल्कि यह एक त्रिकोणीय संघर्ष है। हिंदुओं को एक तरफ तो मुसलमानों से लड़ना पड़ रहा है और दूसरी तरफ अंग्रेजों से। हिंदुओं को विराष्ट्रीकरण के रास्ते पर ले जाने के लिए गोलवलकर के अनुसार ह्यूम, कॉटन और वेडरबर्न द्वारा 1885 में तय की गई नीतियां ही जिम्मेदार थी। इन लोगों ने उस समय उबल रहे राष्ट्रवाद के खिलाफ सुरक्षा वॉल के तौर पर कांग्रेस की स्थापना की। उस समय जाग रहे एक विशाल देव को सुला देने के लिए यह एक खिलौना था, राष्ट्रीय चेतना को तबाह कर देने का हथियार था। और जहां तक उन लोगों के उद्देश्य की बात है, वे इसमें पूरी तरह सफल रहे। उदारवादी C.F. एंड्रज और गिरजा मुखर्जी ने भी 1938 में प्रकाशित भारत में कांग्रेस का उदय और विकास में सुरक्षा वॉल्व की बात पूरी तरह स्वीकार की है। हाँ, उन्हें इस बात का संतोष जरूर है कि इससे व्यर्थ के खून खराबे को टालने में मदद मिली। 1947 के पहले और बाद में दसियों विद्वानों और सैकड़ों लेखकों ने इन चार विचारधाराओं में से ही किसी न किसी को दोहराया है। फिर है ह्यूम और वह गोपनीय रिपोर्ट। सुरक्षा वाल्व की इस परिकल्पना को ऐतिहासिक साक्ष्य बना देने में 7 खंडों वाली उस गोपनीय रिपोर्ट की निर्णायक भूमिका रही, जिसके बारे में ह्यूम का कहना है कि 1878 की गर्मियों में शिमला में उन्होंने इसे पढ़ा था और इसे पढ़ने के बाद उन्हें इसका पक्का यकीन हो गया कि भारत में असंतोष उबल रहा है और एक बड़ी साजिश रची जा रही है। निचले तबके के लोग ब्रिटिश शासन को हिंसा के द्वारा उखाड़ फेंकने वाले हैं। इसके पहले कि हम इन 7 खंडों की छानबीन करें, यह जान लेना बेहतर होगा कि इस रिपोर्ट की चर्चा सबसे पहले कैसे शुरू हुई और बाद में यह बात कैसे आगे बढ़ी। वेडरबर्न ने A.O. ह्यूम की जीवनी लिखी थी जो 1913 में प्रकाशित हुई। सबसे पहले इसी जीवनी में 7 खंडों की इस गोपनीय रिपोर्ट की चर्चा की गई थी। ह्यूम के पास कांग्रेस की स्थापना से संबंधित जो दस्तावेज थे, उन्हीं में वेडरबर्न को एक ऐसा दस्तावेज मिला जिस पर कोई तारीख नहीं पड़ी थी। वेडरबर्न ने ह्यूम की जीवनी में इस दस्तावेज का विस्तार से हवाला दिया है। यह दस्तावेज क्या था और वेडरबर्न ने क्या लिखा था, यह रहस्य मैं आगे खोलूंगा। अभी मैं वेडरबर्न के लिखे इन अंशों को ही दे रहा हूं, जिनका हवाला उनके बाद के कई लेखकों ने अपने लेखों में दिया।
लाला लाजपत राय के अनुसार इस तथ्य के बावजूद कि ह्यूम आज़ादी के प्रेमी थे, वह सबसे पहले तो एक अंग्रेज देशभक्त ही थे। जब उन्होंने देखा कि ब्रिटिश शासन पर एक गंभीर विपत्ति आने वाली है, तो उन्होंने असंतोष के सुरक्षित निकास के लिए सुरक्षा वाल्व बनाने का फैसला किया। अपनी इस बात को साबित करने के लिए लाला लाजपत राय ने ह्यूम के दस्तावेज से एक लंबा अंश उद्धृत किया, जो वेडरबर्न की किताब के पृष्ठ 80 और 81 पर छपा था। ह्यूम के दस्तावेज के इस अंश के साथ वेडरबर्न ने अपनी टिप्पणियां भी दी थी। क्योंकि बाद के सभी लेखकों ने इस अंश को उद्धृत किया है या इसका हवाला दिया है, इसलिए यह जरूरी है कि इस अंश को हम यहां फिर से उद्धृत करें। ह्यूम ने लिखा, मुझे इस रिपोर्ट के कई बड़े खंड दिखाए गए, जिनमें छोटी बड़ी ढेर सारी प्रविष्टियां थी। कई तरह की सूचनाओं के आधार पर ये प्रविष्टियां दर्ज की गई थी। ये या तो इन सूचनाओं का अंग्रेजी अनुवाद थी या अंग्रेजी में उन्हें संक्षेप में लिख दिया गया था। इन सभी सूचनाओं को जिलेवार क्रमबद्ध किया गया था। कहा जाता है कि उस समय 30,000 से भी ज़्यादा मुखबिरों द्वारा भेजी गई सूचनाओं के आधार पर ये असंख्य प्रविष्टियाँ इस विस्तृत रिपोर्ट में की गई थी। उन्होंने यानी ह्यूम ने लिखा है कि इस रिपोर्ट के ये खंड सिर्फ एक हफ्ते तक उनके कब्जे में रहे। इसमें की गई ज़्यादातर प्रविष्टियाँ समाज के निचले तबके के बीच होने वाली बातचीत के आधार पर तैयार की गई बताई जाती हैं, और इन सारी प्रविष्टियों से यह पता चलता है कि मौजूदा हालात से इन गरीब लोगों में निराशा घर कर गई है और उन्हें लगता है कि भूख उन्हें मार डालेगी। अब वे कुछ करना चाहते हैं, एकजुट होना चाहते हैं, और जो कुछ वे करना चाहते हैं वह है हिंसक संघर्ष। पढ़े लिखे लोगों का एक छोटा वर्ग भी इन लोगों के साथ है। यह शिक्षित तबका तंग आकर शायद अनुचित रूप से सरकार के विरुद्ध है। यह शिक्षित तबका भी आंदोलन में शामिल होगा, उसे नेतृत्व प्रदान करेगा और विस्फोट को राष्ट्रीय विद्रोह के रास्ते पर मोड़ देगा। लाला लाजपत राय ने हालांकि इस किताब से उद्धरण तो दिए, सात खंडों की इस रिपोर्ट के चरित्र, उत्पत्ति वगैरह के बारे में उन्होंने कुछ नहीं लिखा था, लेकिन बहुत जल्दी ही इस रिपोर्ट के बारे में तरह तरह की बातें सामने आने लगी। 1933 में गुरमुख निहाल सिंह ने इन सात खंडों को सरकारी रिपोर्ट बताया, तो दूसरी तरफ एंड्रूज और मुखर्जी ने कहा कि ये CID द्वारा तैयार की गई गोपनीय रिपोर्टें थी और ह्यूम को ये रिपोर्टें उनकी सरकारी हैसियत के तहत मिली थी। लेकिन रजनी पाम दत्त इन सब लोगों से भी एक कदम आगे बढ़ गए। उन्होंने लाला लाजपत राय द्वारा वेडरबर्न की किताब से उद्धृत अंशों को पेश करते हुए लिखा, ह्यूम को उनकी सरकारी हैसियत के तहत पुलिस की ये गोपनीय रिपोर्टें हासिल हुई थी।
इन लोगों के इस कपोल कल्पित साक्ष्य को बाद के इतिहासकारों ने, जिनमें आरसी मजूमदार और ताराचंद जैसे इतिहासकार भी शामिल हैं, एक ऐतिहासिक तथ्य मान लिया। ह्यूम के इन दस्तावेजों को इतने पक्के तौर पर सरकारी दस्तावेज माना जाने लगा कि 1950 के दशक में कई इतिहासकारों और इतिहास के कई शोधकर्ताओं ने, जिनमें आज के कई इतिहासकार भी शामिल हैं, राष्ट्र अभिलेखागार में इन दस्तावेजों की खोज में अपना काफ़ी वक्त और मेहनत बर्बाद की। और जब इस खोजबीन में उन्हें सफलता नहीं मिली तो उन्होंने यह मानकर तसल्ली कर ली कि 1947 में भारत छोड़कर जाने से पहले अंग्रेजों ने इन दस्तावेजों को नष्ट कर दिया होगा। अगर इन इतिहासकारों ने जरा भी सूझबूझ से काम लिया होता और इस कपोल कल्पना की छानबीन जरा सावधानी से की होती तो शायद उन्हें बेवकूफ न बनना पड़ता। डफरिन और रिपन के निजी दस्तावेजों के सामने आने के पहले भी दो प्रकार के ऐतिहासिक साक्ष्य उपलब्ध थे, जिनमें इस कपोल कल्पना की जांच आसानी से की जा सकती थी। पहला साक्ष्य तो हमें 1870 के दशक की भारत सरकार की कार्यप्रणाली की छानबीन करने से ही मिल जाता है। 1878 में ह्यूम राजस्व, कृषि और वाणिज्य विभाग के सचिव थे। इन विभागों के सचिव की पहुंच गृह विभाग की फाइलों या CID रिपोर्टों तक भला कैसे हो सकती थी। फिर उस समय ह्यूम शिमला में नियुक्त थे, जबकि गृह विभाग की फाइलें दिल्ली में रखी जाती थी और उन्हें शिमला भेजा ही नहीं जाता था। और फिर 30,000 मुखबिर कहाँ से आए? उस समय खुफिया विभाग में कुछ 100 से ज़्यादा कर्मचारी नहीं थे। और जैसा कि लाजपत राय ने लिखा कि हिंसा भड़कने की आशंका के कारण कांग्रेस की स्थापना की गई, तो ब्रिटिश सरकार ने इसके लिए 7 साल तक इंतजार क्यों किया? सवाल उठता है कि ये रिपोर्टें अगर सरकारी नहीं थी तो फिर क्या थी? वेडरबर्न की किताब में तलाशें तो इसका सुराग मिल जाएगा। दरअसल अगर किसी लेखक ने सिर्फ इस किताब से उद्धृत अंशों को ही आधार न बनाकर पूरी किताब उल्टी पलटी होती तो उसे वेडरबर्न की किताब में उपलब्ध ऐतिहासिक साक्ष्य मिल गया होता। लाजपत राय, रजनी पामदत्त और दूसरे अन्य लोगों ने जिन अंशों को उद्धृत किया है वे वेडरबर्न की किताब के पृष्ठ 80 और 81 पर छपे हैं। इनसे दो पृष्ठ पहले यानी 78 से 80 पर और एक पृष्ठ आगे यानी पृष्ठ 82 और 83 पर वेडरबर्न ने बताया है कि ये दस्तावेज क्या थे और इन्हें किसने ह्यूम को दिया था। विभिन्न लेखकों ने जिन अंशों को उद्धृत किया है वे अंश वेडरबर्न की किताब के भारतीय धार्मिक नेता शीर्षक से छपे अध्याय के हैं। इस अध्याय की शुरुआत में ही वेडरबर्न ने लिखा है कि आसन खतरे की एक चेतावनी ह्यूम को एक अति विशेष स्रोत से मिली। यह स्रोत था धार्मिक नेताओं का, जो कि भारत के सभी हिस्सों में बसे लोगों के धार्मिक जीवन को नियंत्रित करते थे।
और उनका नेतृत्व करते थे। फिर है ह्यूम और गुह्य विद्या। ह्यूम ने अपने दस्तावेज में इसका जिक्र करते हुए कहा था कि इस गोपनीय धार्मिक समूह में लाखों लोग हैं और भारतीय समस्या को मद्देनजर रखते हुए इनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। इन धार्मिक समूहों और समुदायों के मुखिया होते हैं उनके गुरु, जो सांसारिक माया मोह विकारों से मुक्त होते हैं और बहुत पहुँचे हुए होते हैं और अपने चेलों और शिष्यों के जरिए इन लोगों को हर घटना की जानकारी मिल जाती है। हर उस बात की भी सूचना उन्हें मिल जाती है जो समाज के मानस में सुख भुगा रही होती है, और जनमत पर इन धार्मिक गुरुओं का बड़ा असर है। ये समाज के विचारों को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। इसके बाद वेडरबर्न ने लिखा कि जब लॉर्ड लिटन वॉयसराय थे, उस समय ह्यूम इन धार्मिक नेताओं के संपर्क में आए। इन धार्मिक नेताओं ने ह्यूम से इसलिए संपर्क किया कि पूर्व के धर्मों के अध्ययन में ह्यूम की गहरी दिलचस्पी थी, लेकिन इसके पीछे एक कारण और था। वह यह कि इन धार्मिक गुरुओं को आशंका थी कि पूरे देश में व्याप्त अशुभ अशांति बढ़ते बढ़ते इस सीमा तक पहुंच जाएगी कि उसका भयावह विस्फोट हो सकता है, और ऐसे समय सरकार तक पहुंच रखने वाले ह्यूम जैसे लोग ही महाविपत्ति को टालने में मदद कर सकते हैं। ह्यूम ने लिखा कि इस तरह से यह मामला मेरे सामने पेश किया गया। इस अंश के बाद हम पृष्ठ 80 से 81 के अंशों को पढ़ें तो बात साफ हो जाती है, और अंत में तीसरी तरह के इतिहास लेखन की विवेचना करते हैं जो पूरी तरह अंधविश्वास और फंतासी पर आधारित है। गुरु और चेलों के चरित्र पर वेडरबर्न ने पूरी तरह रोशनी नहीं डाली है। वेडरबर्न ने अपने दोस्त की इज्जत का काफ़ी ख्याल रखा। आमतौर पर जीवनी लेखक अपने दोस्त की जीवनी लिखते हुए ऐसा करते हैं। वेडरबर्न ने ऐसा जताने की कोशिश की है कि ये गुरु और चेले सामान्य व्यक्ति थे, मगर वास्तविकता यह नहीं थी। ब्रह्म विद्या यानी थियोसोफी, ब्रह्म विद्या पर कुछ किताबें मादाम ब्लावात्स्की और वाइसरॉय रिपन तथा डफरिन के निजी कागजातों का अध्ययन करने के बाद हमें पता चलता है कि ये गुरु कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। पूर्व की अनूठी धार्मिक अवधारणाओं के प्रवर्तक, इन गुरुओं में असीमित अलौकिक शक्ति थी। ये हजारों मील दूर किसी से संपर्क कर सकते थे, निर्देश दे सकते थे, किसी स्थान में घुस सकते थे, कहीं भी जा सकते थे। अदृश्य रहकर भी ये किसी भी व्यक्ति के विचारों को प्रभावित कर सकते थे और उस व्यक्ति को पता तक न चल सकता था कि कोई उसे प्रभावित कर रहा है। सन 1881 में ह्यूम मादाम ब्लावात्स्की के प्रभाव में आए। ब्लावात्स्की ने ह्यूम को बताया कि अलौकिक शक्ति रखने वाले इन गुरुओं से उनका संपर्क है। उन्होंने इन गुरुओं को महात्मा कहा। ये महात्मा गुप्त रूप से तिब्बत में रहते थे और अपनी अलौकिक शक्ति के चलते दुनिया में कहीं भी संपर्क कर सकते थे।
ब्लावत्स्की ने ऐसे ही एक महात्मा पूत होमी लाल सिंह से ह्यूम का संपर्क करवाया। यही अदृश्य भाईचारा अपने चेलों के माध्यम से भारत में हो रही घटनाओं की जानकारी प्राप्त करता रहा। ब्लावत्स्की के एक अन्य शिष्य पायनियर के संपादक एपी सिनेट ने 1880 में प्रकाशित अपनी किताब में कूत होमी की एक चिट्ठी का हवाला दिया है, जिसमें कूत होमी ने लिखा था कि महात्माओं ने अपनी शक्ति को इस्तेमाल कर 1857 में भारतीय जनता के विद्रोह को विफल कर दिया और ब्रिटिश साम्राज्य को बचा लिया। भविष्य में भी ऐसा मौका पड़ने पर महात्मा अपनी शक्ति का प्रयोग करेंगे। ह्यूम इन सब में पूरा विश्वास रखते थे। वह चाहते थे कि ऐसी ही अलौकिक ताकत उन्हें भी मिल जाए, जिससे वह वर्तमान और भविष्य के बारे में सब कुछ जान सकें। उन्होंने तिब्बत के महात्माओं से संपर्क साधना शुरू किया। 1883 में ब्लावत्स्की से ह्यूम का झगड़ा हो गया, लेकिन महात्माओं गुरुओं के प्रति उनकी श्रद्धा व विश्वास बरकरार रहा। ह्यूम ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए भी महात्माओं की मदद लेनी शुरू की। उनकी दिली इच्छा थी कि प्रशासन का चरित्र बदले और वह भारतीय जनता के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी बने, उसका ख्याल रखते काम करें। इसके लिए उन्होंने महात्माओं की मदद लेनी शुरू की। दिसंबर 1883 में ह्यूम ने रिपन को लिखा, मेरा संपर्क ऐसे व्यक्तियों से है जिन्हें जनता देख नहीं सकती, फिर भी उनका आदर करती है, भगवान मानती है, और ये महात्मा जनता की नबज पकड़े हैं, उनकी भावनाओं को एक एक चीज को जानते हैं। उनका दावा था कि एशिया के कुछ लोग जो अलौकिक शक्तियां रखते हैं, जनता के दिल में हर एक बात जानते हैं। उन्होंने कुछ हद तक मुझे जनता का विश्वास पात्र बना दिया है। जनवरी 1884 में ह्यूम ने रिपन को बताया कि कई दशक पहले 1848 से ही वे इन महात्माओं के संपर्क में आ गए थे और इन्हीं महात्माओं के हस्तक्षेप के कारण ही 1848 की यूरोप क्रांति और 1857 में भारतीयों के विद्रोह को दबाया जा सका। उन्होंने बताया कि अब ये महात्मा उनके तथा उन जैसे अन्य लोगों के माध्यम से रिपन की मदद कर रहे हैं, जिससे कि रिपन के सुधार कानून लागू किए जाएं और विद्रोही या खूनी क्रांति को रोका जा सके। ह्यूम ने यह भी कहा कि वे रिपन को दोबारा वायसराय बनाने के लिए महारानी को मनाने में महात्माओं की मदद ले रहे हैं। भारतीय प्रेस का गुस्सा ठंडा करने के लिए भी महात्मा उनकी मदद कर रहे हैं। ह्यूम ने डफरिन के साथ भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की, पर थोड़ी हिचक के साथ। उन्होंने डफरिन को यह नहीं बताया कि उनके सलाहकार अलौकिक शक्तियों वाले हैं। शायद यही कारण है कि कई इतिहासकार यह मान बैठे हैं कि ये सलाहकार ह्यूम के दोस्त कांग्रेसी नेता थे। केवल एक बार 1888 में डफरिन के दबाव के कारण ह्यूम ने यह भेद खोला कि वह अलौकिक शक्तियों के माध्यम से खबरें प्राप्त करते हैं। ह्यूम ने दावा किया था कि विदेश सचिव के नाम लिखे गए वायसराय के तमाम गुप्त पत्रों की जानकारी उन्हें है। डफरिन ने बहुत ही गुस्से में
ह्यूम से पूछा कि उन्हें यह जानकारी मिली कैसे, तो ह्यूम ने कहा कि उनके दोस्तों ने अलौकिक शक्ति के माध्यम से इन पत्रों की फोटोकॉपी प्राप्त की है। डफरिन ने जब उनके सामने वे चिट्ठियां रख दी तो ह्यूम खिसिया गए। वे फोटो प्रतियां इन चिट्ठियों की नहीं थी। इससे पहले भी ह्यूम ने अप्रत्यक्ष रूप से डफरिन को यह बताने की कोशिश की थी कि उनके सलाहकार सामान्य राजनीतिक नेता नहीं है, वरन वे बड़े प्रवर्तक और महात्मा हैं। नवंबर 1886 में डफरिन के नाम एक खत में उन्होंने लिखा था कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि शिमला में जिन लोगों ने मुझे 7 खंडों की रिपोर्ट दिखाई थी वह रिपोर्ट आपको भी दिखा दूं, जिससे आप इसकी सत्यता को परख सकें, लेकिन वे कह रहे हैं कि फिलहाल यह संभव नहीं है। उनसे बात करने के लिए जो कुछ करना चाहिए वह आपने किया नहीं है, करेंगे भी नहीं। फिर भी मेरा एक खास दोस्त शायद आपसे मिलने आए। यदि कोई व्यक्ति आपके निजी सचिव से मिले और कहे कि उसे मैंने यह कहकर भेजा है कि आप उससे मिलना चाहते हैं, तो आप उससे फौरन मिल लीजिएगा। 10 मिनट के भीतर आप समझ जाएंगे कि वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। हो सकता है आपको कभी ऐसा मौका न मिले, क्योंकि वे रहस्यमय ढंग से काम करते हैं। लेकिन वॉयसराय बार बार ह्यूम से कहते रहे कि आखिर उनके पास इन बातों का सबूत क्या है। ह्यूम ने वॉयसराय से कहा कि उन्हें खुद ही गुस्सा आ रहा है, क्योंकि वह जिसके निर्देश पर काम कर रहे हैं वह जनता के सामने सार्वजनिक रूप से नहीं आना चाहता। इसीलिए भारत में बसे तमाम यूरोपीय नागरिक उन्हें यानी ह्यूम को पागल और झूठा समझते हैं। अंततः ह्यूम ने वॉयसराय से कहा कि वह राजनीतिक काम करते रहेंगे और अपने सभी दोस्तों से संबंध समाप्त कर देंगे। इस प्रकार यह साबित होता है कि 7 खंडों की वह रिपोर्ट जिसे ह्यूम ने शिमला में देखा था, महात्माओं, गुरुओं और ह्यूम के दोस्तों ने तैयार की थी। सुरक्षा वाल्व के पक्ष में जो दूसरा सबसे बड़ा सबूत दिया जाता है वह W.C. बनर्जी के बयान पर आधारित है। 1898 में बनर्जी ने एक बयान में कहा था, कांग्रेस का गठन और आज तक की उसकी कार्यशैली वास्तव में डफरिन की ही देन है। 1884 में ह्यूम ने तय किया कि भारत के बड़े राजनीतिक नेताओं की हर साल वह एक बैठक बुलाएंगे, जिसमें सामाजिक समस्याओं पर विचार किया जाएगा। ह्यूम नहीं चाहते थे कि इस बैठक के दौरान राजनीतिक मुद्दों पर बहस हो, लेकिन डफरिन ने ह्यूम से इसका ठीक उल्टा करने को कहा। उन्होंने ह्यूम को एक ऐसा संगठन बनाने को कहा जो राजनीति पर चर्चा करे, जिससे सरकार को भारतीय जनता के विचारों की जानकारी मिलती रहे। डफरिन का मानना था कि इस तरह का संगठन भारत में ठीक वही भूमिका निभा सकता है जो इंग्लैंड में विपक्ष निभा रहा है। बनर्जी साहब की बात तथ्यों से कहीं मेल नहीं खाती, या तो उनकी याददाश्त कमज़ोर हो गई थी
या वह 19वीं सदी की साम्राज्यवादी प्रतिक्रिया के आक्रोश से राष्ट्रीय कांग्रेस को बचाना चाहते थे। समसामयिक तथ्य बनर्जी साहब के निष्कर्षों के ठीक विपरीत बात बताते हैं। 1882 में सेवानिवृत्त होने के बाद से ह्यूम भारतीय जनता से राजनीति में हिस्सा लेने की अपील करने लगे थे। अपने भारतीय दोस्तों से वह बार बार कहते थे कि सामाजिक मुद्दों को लेकर उनमें कहीं दरार नहीं पड़नी चाहिए। जनवरी 1885 में जब उनके एक दोस्त बी एम मलाबारी ने इंडियन स्पेक्टेटर में अपने कई संपादकीय लेखों में भारतीय जनता से यह अनुरोध किया कि वह सामाजिक सुधारों के लिए आंदोलन चलाएं, तो ह्यूम नाराज हो गए। ह्यूम ने इंडियन स्पेक्टेटर को एक चिट्ठी लिखी जिसमें मलाबारी के संपादकीय की काफ़ी आलोचना की गई थी। ह्यूम ने खत में लिखा था कि सामाजिक सुधारों के लिए आंदोलन चलाना खतरनाक होगा। उन्होंने सुझाव दिया था कि राजनीतिक सुधार आंदोलन चलाए जाएं, सामाजिक सुधार आंदोलन नहीं। डफरिन ने 1888 में सेंट एंड्रूज दिवस पर भोज के समय अपने भाषण में सार्वजनिक रूप से कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि वह अपने निहित स्वार्थों के लिए सामाजिक सुधारों को नज़रअंदाज कर राजनीतिक आंदोलन चला रही है। उनका कहना था कि सामाजिक सुधारों से करोड़ों लोगों का उत्थान होगा। इससे पहले विदेश सचिव के नाम एक निजी खत में भी डफरिन ने यही बातें लिखी थी। डफरिन के निजी दस्तावेजों को यदि ध्यान से पढ़ा जाए तो साफ पता चलेगा कि कांग्रेस के गठन में डफरिन की भूमिका या कांग्रेस को उनके सहयोग की बात बिल्कुल झूठी है। ह्यूम ने कभी भी सामाजिक मुद्दे को लेकर बैठक आयोजित नहीं की, बल्कि शुरू से ही वह राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा के लिए बैठकें करते रहे। इसका प्रमाण डफरिन का वह पत्र है जो उन्होंने ह्यूम से पहली बार मिलने के बाद बंबई के गवर्नर लॉर्ड रेस को लिखा था। पत्र में लिखा था, ह्यूम ने मुझे बताया है कि वह और उनके दोस्त एक राजनीतिक सम्मेलन आयोजित करने जा रहे हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ, ठीक उसी तरह जैसे कैथोलिक विमुक्ति के पहले ओ कोनेल ने किया था। जब स्वयं डफरिन और उनके उदारवादी सहयोगी बंबई और मद्रास के गवर्नर भी कांग्रेस से सहानुभूति नहीं रखते थे, तो उनके रूढ़िवादी सहयोगियों अल्फ्रेड जे बी लॉयल, डी एम वालेस, ए कॉलविन और एस सी बेले की बात ही छोड़िए। डफरिन ने 1888 में ही पहली बार कांग्रेस की आलोचना की हो, ऐसी बात नहीं है। 1888 में उन्होंने रे को लिखा था कि हम कांग्रेस को साबुत नहीं रहने देंगे। 1885 में उन्होंने रे को खत लिखकर चेतावनी दी थी कि ह्यूम की कांग्रेस से सावधान रहिए, सुधारवादियों और दक्षिण पंथियों में से किसी के भी नज़दीक मत जाइए। जून 1885 में रे ने इसका जवाब लिखा, नई राजनीतिक सरगर्मी से भयातुर रे ने डफरिन को भारतीय प्रतिनिधियों से सावधान रहने को कहा। उन्हें लगा कि भारतीय जनता ने एक
भारतीय राष्ट्रीय दल का गठन किया है। उन्होंने भारतीय प्रतिनिधियों की तुलना आयरलैंड के प्रतिनिधियों से की। इससे पहले मई में रे ने डफरिन को सावधान किया था कि ह्यूम एक ऐसे संगठन के केंद्र हो गए हैं जो भारत में स्वदेशी भावना को जागृत करना चाहता है। वास्तव में मई 1885 के बाद से ही डफरिन ह्यूम से नफरत करने लगे थे और उनसे दूर रहने लगे थे। यही नहीं, इसके बाद से डफरिन ने बंगाली बाबुओं और मराठी ब्राह्मणों पर हमला बोलना शुरू कर दिया। डफरिन का मानना था कि इनके उद्देश्य संदिग्ध हैं और ये भारत में आयरलैंड जैसा क्रांतिकारी विद्रोही आंदोलन चलाना चाहते हैं। मई जून 1886 में डफरिन ने ह्यूम को धूर्त, पागल, बेईमान और न जाने क्या क्या कहा। ह्यूम का कसूर महज इतना था कि वह हिंदुस्तान में होम रूल आंदोलन के मुख्य प्रेरक हो गए थे। सारांश यह कि सुरक्षा वॉल की बात वास्तव में महात्माओं की कारगुजारियों पर आधारित है, लेकिन जो सवाल हमने शुरू में उठाए थे वे अब तक अनुत्तरित हैं। जैसे कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई, संस्थापकों के उद्देश्य क्या थे और उन्होंने ह्यूम के नेतृत्व को क्यों स्वीकार किया, अब इन सवालों को उठाया जाए। अध्याय 5 में इसकी चर्चा होगी।